देश की सबसे बड़ी परीक्षा, सबसे बड़ा एग्ज़ाम नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो डॉक्टर बनने की पहली सीढ़ी है, संपन्न हुई। पूरे देश में करीब 18 लाख बच्चे ने पार्टिसिपेट किया इस एग्ज़ाम में। कम से कम 500 सेंटर में देश भर में इस एग्ज़ाम को कराया गया एनटीए के द्वारा, और करीब 17 लाख के आसपास बच्चे बैठे थे इस एग्ज़ाम में। सबसे ज़्यादा बच्चे जो है वो 2.5 लाख के आसपास महाराष्ट्र से बैठे थे, और करीब 2,10,000 के आसपास बच्चे उत्तर प्रदेश से बैठे थे। सबसे ज़्यादा डॉक्टरों की अगर ज़रूरत है तो उत्तर प्रदेश में और बिहार में सबसे ज़्यादा डॉक्टरों की ज़रूरत है। साउथ के राज्य और महाराष्ट्र में तो डॉक्टरों की इतनी कमी नहीं है, लेकिन यूपी और बिहार में डॉक्टरों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और यूपी के इतने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया इस एग्ज़ाम में, ये काफ़ी खुशी की बात है। ये सौभाग्य है हमारे देश का कि 18 लाख बच्चे इस देश में डॉक्टर बनना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, मरीजों की सेवा करना चाहते हैं, रोगियों और पीड़ितों की सेवा करना चाहते हैं। तो ये तो देश की सौभाग्य की बात है कि कोरोना काल में भी जब मंदिरों के दरवाजे बंद थे, तब इन डॉक्टरों के रूप में लगता था कि भगवान मानव जाति का सेवा कर रहा है। हाँ, तो ये जो हमारे डॉक्टर्स हैं, इन्हें ऐसे ही लोग नहीं भगवान का दर्जा देते हैं। जब किसी पीड़ित का जब दर्द कम होता है, जब किसी मरीज का रोग कम होता है, जब कोई मौत के मुंह से बच के आता है, तब उससे पूछिए कि क्या उसने भगवान को देखा है, तो कहेगा हाँ, डॉक्टर के रूप में देखा है। ये है उस डॉक्टरी पेशे का महत्व। हाँ, और ये जो बच्चे हमारे हैं, जो 18 लाख बैठे हैं इस परीक्षा में, ठीक है, ये काफ़ी अभिनंदन के पात्र है, और इन्हें सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ, इनकी वंदना करता हूँ कि इन्हें इतनी नोबल प्रोफेशन, इतने सम्मानित जो पेशे है, कैरियर है, उसे चुना है उन्होंने। और मैं सारे माता पिता से विनती करूँगा कि भैया अपने बच्चों को डॉक्टरी पेशा का जो है अहमियत बताए, समझाए, और कोशिश करें कि बचपन से उनके अंदर डॉक्टर बनने की इच्छा उत्पन्न करें। और देश की सरकार जिसने ये परीक्षा को कंडक्ट किया एनटीए के द्वारा, जो एनटीए है उनका अथॉरिटी फॉर कंडक्टिंग दिस एग्ज़ाम, बहुत अच्छे से इन्होंने एग्ज़ाम को कंडक्ट किया। 500 सेंटर में गांव, देश के कोने कोने में इन्होंने ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया, उसके लिए काफ़ी तारीफ के पात्र है। बस देश की सरकार से मेरी इतनी विनती होगी कि जो 18 लाख बच्चे इस परीक्षा में बैठे हैं डॉक्टर बनने का सपना लेके, और मुझे पता है कि इन 18 लाख बच्चों में से सिर्फ 1 लाख ही बच्चे होंगे जिनका शायद सिलेक्शन हो पाएगा। तो विनती है ये हमारे देश की सरकार से कि भैया, जो 70 साल आज़ादी के बाद भी 70,000 मेडिकल सीट्स नहीं बना पाए, उनसे मुझे विनती है मेरा कि भैया आप जरा मेडिकल सीट्स बढ़ाइए, मेडिकल कॉलेजेस खुलवाइए। इस देश में अभी बहुत सारे मेडिकल सीट्स की ज़रूरत है, कम से कम मिनिमम 1.5 लाख मेडिकल सीट्स की ज़रूरत है, जो अभी फ़िलहाल 80 या 90 हज़ार के आसपास है। तो आप कोशिश कीजिए कि जितने भी हमारे देश में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, उनको आप मोटिवेट कीजिए कि वो अपने हॉस्पिटल के साथ मेडिकल कॉलेजेस को भी अटैच करें, और देश के हर ज़िले में, जो 700-750 देश का ज़िला है, उसमें हर ज़िले में कम से कम 200 सीट का एक मेडिकल कॉलेज खुले, जिससे कम से कम इस देश में 1.5 लाख के आसपास मेडिकल सीट मिनिमम होना चाहिए। तो जो वर्ल्ड का अनुपात है, रेशियो है, कि कम से कम 1,000 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर होना ज़रूरी है देश में, तो उस अनुपात को हम कम से कम प्राप्त कर सके। स्पेशली यूपी, बिहार, झारखंड, MP, छत्तीसगढ़, ये सब जो हमारे पिछड़े राज्य है, जो हमारे बीमारू राज्य है, या हमारे जो गांव एरिया है, गांव क्षेत्र है, वहाँ पे डॉक्टरों की बहुत ज़रूरत है। शहर में तो बहुत सारे डॉक्टर हैं, मुंबई, दिल्ली आपके है, बेंगलोर है, मद्रास है, ये सब सिटीज़ में तो बहुत सारे डॉक्टर आपको मिल जाएंगे। कहा जाता है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डेंटिस्ट जो है आपको बॉम्बे में मिल जाएंगे, लेकिन हमारे देश का जो गाँव है, जो हमारा रूरल एरिया है, वहाँ पर डॉक्टरों की बहुत कमी है। और हमारे जो पिछड़े राज्य है, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, वहाँ पे भी डॉक्टरों की बहुत ज़रूरत है। तो जो 2,10,000 बच्चे यूपी से
इस परीक्षा में बैठे हैं वो तो काबिले तारीफ है, लेकिन इतने से काम पूरा नहीं होगा। हमें और ज्यादा से ज्यादा इन क्षेत्र के बच्चों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा साइंस सब्जेक्ट को ले। जो हमारे यूपी बिहार के बच्चे ज्यादा से ज्यादा आर्ट्स लेते हैं उसकी तुलना में वो ज्यादा से ज्यादा साइंस लेवे और मेडिकल जैसे नोबल प्रोफेशन में वो जाए और अपने राज्य की सेवा करे, मरीजों की सेवा करे जहाँ पे बहुत डॉक्टरों की जरूरत है। तो हैट्स ऑफ टू यू गाइस, कीप इट अप, डोंट रेस्ट टिल यू बिकम बेस्ट डॉक्टर्स टू सर्व ह्यूमैनिटी एंड कीप इट अप। गॉड ब्लेस यू ऑल, वी नीड यू नाउ मोर देन एवर। थैंक यू।